अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे तीन शेप में मज़ेदार सी मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने एक लिया है स्पाइरल शेप में 1 कप, शेल शेप में वो भी 1 कप लिया है, और मैक्रोनी शेप में वो भी 1 कप लिया है। तीनों शेप को मैंने एक ही साथ डाल दिया है। तो चलें अब हम इसको बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर आप ले लें 2 लीटर के करीब पानी, और फिर उसके बाद इन तमाम मैक्रोनी को आप डाल दें। अब इसके अंदर आप नमक ऐड करें हसबे ज़ायका, और ऑयल ऐड कर दें 2 चम्मच के करीब। 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ दें, इसको अच्छे से बॉईल करना है हमें। तो जब तक ये बॉईल हो रही है तो हम चलते हैं अपनी सब्ज़ियों की तरफ। तो सब्ज़ियाँ हम यहाँ पर काट लेते हैं। 2 प्याज मैंने ली थी छोटी स्मॉल साइज़ में, और फिर उसके बाद मैंने इसको क्यूब में काट लिया। यहाँ पर मैंने बड़ी गाजर ली है, और इसे भी हम यहाँ पर क्यूब में काट लेंगे। तो पहले बीच से कट लगाएंगे हम इसे, और फिर उसके बाद एक और कट लगा के इसको क्यूब में काट लेंगे। गाजर को मैंने यहाँ पर बड़ा लिया था, तो मैंने इसी वजह से 1 यूज़ किया है। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ की गाजर हो तो आप यहाँ पर 2 यूज़ करिएगा। स्मॉल साइज़ की मैंने यहाँ पर कैबेज ले ली है, तो अगर आपके पास स्मॉल साइज़ की बंद गोभी ना हो तो आप जो है बीच में से हाफ ले लीजिएगा उससे, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से आप काट लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर तमाम सब्ज़ियों को क्यूब में काटा है, बंद गोभी को भी, गाजर को भी, और प्याज को भी। इसी तरीके से हम यहाँ पर शिमला मिर्च को भी लेंगे और क्यूब में काट लेंगे। शिमला मिर्च को हाफ़ कर लें, और फिर उसके बाद इसमें से बीज को निकाल लें। स्लाइस में कट करेंगे, लेकिन पूरा कट नहीं करेंगे, नीचे से थोड़ा सा रहने देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको क्यूब में काट लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है काटने का, और जो हमारी हाफ़ रह गई थी उसे भी हम ऐसे ही काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं कट चुकी हैं, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और बंद गोभी। लहसुन की मैंने यहाँ पर ले ली है 4 शाखें, इसे भी हम क्यूब में काट लेंगे। मैक्रोनी भी यहाँ पर हमारी अच्छे से बॉयल्ड हो चुकी है। अब हम गैस फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। तो एक अलग मैंने बाउल में निकाल लिया है, फ्राई करते हैं सब्ज़ियों को। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पतीली, इसके अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब तेल, और फिर उसके बाद हमने जो लहसुन काट लिए थे उसे हम यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम यहाँ पर तमाम सब्ज़ियों को ऐड कर देंगे जितनी भी हमने यहाँ पर काट के रखी थी। सब्ज़ियाँ डाल दी हैं हमने, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और 1 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर मसालों को ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर मसालों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स करने के बाद ऐड करना है मैगी मसाला। मैगी मसाला नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैगी मसाला डाला है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक की क्वांटिटी रखी है इसलिए क्योंकि मैंने मैगी मसाले को यूज़ किया है। मैगी मसाला यूज़ करने की वजह से यहाँ पर नमक की क्वांटिटी मैंने कम रखी है। अब हम यहाँ पर दूध और क्रीम दोनों को मिक्स करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया था, और 1/2 कप क्रीम, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर इसमें ऐड करें। तो दूध और क्रीम आपने दोनों को ऐड करना है इसमें, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप मैं यहाँ पर 4 स्पून के करीब डालूंगी। तो यहाँ पर आपने केचप को थोड़ा ज़्यादा ही मिकदार में रखना है। मायोनीज़ को मैंने यहाँ पर 3 स्पून के करीब डाला है, और डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब सिरके को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप सिरका 1 चम्मच ही यूज़ करिएगा, वरना आपकी मैक्रोनी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पर हम गैस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और जो मैक्रोनी हमने निकाल ली थी इसके ऊपर अब हम सारे मसाले को ऐड कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे।
तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये वीडियो बिल्कुल फ्री में होती है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में भी, रेसिपी भी हम तैयार करते हैं, वीडियो को भी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस आपको एक काम करना है, नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।